material handling. So here we will discuss about the first of all definition and then the way we can handle the material. And last we will see the equipments that are usually used at the shop floor in any organization to handle the material. So we start. As you seeing here, material handling is the art and science of moving, packing and storing of substances in any form. किसी भी form में यदि हमें substances को handle करना है, इन्हें क्या करना है, आपको move करना है, pack करना है, store करना है, तो इस art को, इस प्रकार के art को या science को हम क्या कहते हैं, material handling कहते हैं. तो material handling is nothing but it is the art and science of moving, packing and storing of substances in any form. Then importance of material handling. As you see here, function of production control. यानी हम क्या कर सकते हैं? Production control के functions को हम control कर सकते हैं. Then concerned with scheduling of production control. Further हम क्या कर सकते हैं? Production control को schedule भी कर सकते हैं. हम scheduling के साथ भी deal कर सकते हैं. Then material handling adds value to the product cost. आप देखेंगे बॉयस कि जो मटेरियल हैंडलिंग है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट इसीलिए है कि मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं, मटेरियल को मूव करते हैं और मैक्सिमम लेबर जो यूज़ होता है वो मटेरियल हैंडलिंग के लिए ही यूज होता है. तो इसीलिए यदि हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल हैंडलिंग को यदि कंट्रोल कर सकेंगे तो क्या कर सकेंगे हम, प्रोडक्शन कॉस्ट की वैल्यू को कम ज़्यादा कर पाएंगे, ठीक है, या कम कर पाएंगे. देन फर्दर मटेरियल हैंडलिंग इंक्रीजेज इफेक्टिवनेस ऑफ इन प्लांट लेआउट बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट. यदि हमें कॉस्ट को रिड्यूस करना है तो हमें क्या करना होगा, मटेरियल हैंडलिंग के अकॉर्डिंगली ही, यानी हमें जितना इफिशियंट बनाना होगा उसके लिए हमें लेआउट पे काम करना पड़ेगा. तो यदि हम प्लांट लेआउट को इफिशियंट बना पाएंगे या इफेक्टिव बना पाएंगे तो उससे क्या होगा, मटेरियल हैंडलिंग बेटर से बेटर हम कर पाएंगे और उससे जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो कम से कम होगी. So this was the importance of the material handling. If we want to reduce the production cost, then there is the one of the way, that is the material handling. Material handling adopt करके हम बहुत सी cost को कम कर सकते हैं. Production cost can be minimized. Then objective of material handling की यदि हम बात करें तो इसमें बहुत सारे objective आ जाते हैं, जैसे कि to lower unit materials handling cost. हम क्या कर सकते हैं, material की जो यूनिट कॉस्ट होती है उसको हम लोअर डाउन कर सकते हैं, हैंडलिंग कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं. फिर टू रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम. मैन्युफैक्चरिंग का जो साइकिल टाइम है, यदि प्रॉपर और एंड इफिशियंट मटेरियल हैंडलिंग है तो उसका साइकिल टाइम हम कम कर सकते हैं. कैसे, यदि हमें समय पर और सही पोजिशन पर यदि हमें जिस मटेरियल की ज़रूरत है वो मिल जाता है तो उससे हमें अननेसेसरी डिलेड नहीं होगी और डिलेड नहीं होने से साइकिल टाइम रिड्यूस होगा. देन to provide better control of the flow of materials. हम क्या कर सकते हैं, flow of material को better तरीके से control कर सकते हैं. Then to provide better working condition. हम अच्छे से अच्छी better से better working condition provide कर सकते हैं. Then to provide contribution for better quality by avoiding damages to products. हम क्या कर सकते हैं, डैमेज यदि प्रॉपरली मटेरियल हैंडलिंग होगी तो क्या होगा, एक्सीडेंट्स कम होंगे या डैमेजेस कम होंगे, तो उससे क्या होगा, एक बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट हम बना सकते हैं. तो ये क्या करता है, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कंट्रीब्यूशन दे रहा है मटेरियल हैंडलिंग. देन टू इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी, हम स्टोरेज कैपेसिटी भी अपनी बढ़ा सकते हैं. टू प्रोवाइड हायर प्रोडक्टिविटी एट लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये हमारा सबसे प्रोमिनेंट ऑब्जेक्टिव है. यदि हमें प्रोडक्टिविटी यदि इम्प्रूव करना है तो सबसे बेटर तरीका ये है कि हमें मटेरियल हैंडलिंग को इफिशियंट बनाना पड़ेगा. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द मटेरियल हैंडलिंग ऑब्जेक्टिव. देन नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मटेरियल हैंडलिंग प्रिंसिपल्स, कि वॉट आर द प्रिंसिपल्स डेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मटेरियल हैंडलिंग. तो मटेरियल हैंडलिंग के लिए वो सिद्धांत है जो कि मटेरियल जिनको फॉलो यदि हम करते हैं तो क्या कर सकते हैं, हम मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट को कम कर सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए, मटेरियल शुड बी मूव एज लिटिल एज पॉसिबल. मटेरियल कैसे मूव करना चाहिए, जितना हो सके कम से कम मूव करना चाहिए, एज लिटिल एज पॉसिबल. देन सेकेंड है रिडक्शन इन टाइम
बाय यूजिंग शॉर्टेस्ट रूटर्स एंड मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। हम क्या कर सकते हैं, यदि हमें मटेरियल हैंडलिंग करना है तो हम ऐसे रूट को फॉलो करेंगे जो कि शॉर्टेस्ट रूटर्स हो, और हम क्या कर सकते हैं मैकेनिकल एडेड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे, मैनुअली हैंडलिंग को अवॉइड करेंगे जहाँ पर पॉसिबल है। यदि हम वैकली मैकेनिकली यदि हम मटेरियल हैंडलिंग कर सकते हैं तो हम मैकेनिकली ट्रॉली या मैकेनिकल इक्विपमेंट्स की सहायता से हम मटेरियल हैंडलिंग करेंगे, और क्या करेंगे रूट हम शॉर्टेस्ट फॉलो करेंगे। देन थर्ड पॉइंट, द मटेरियल मूवमेंट शुड बी इन लॉट्स रेदर देन इन इंडिविजुअल यूनिट्स। हमें कोशिश करना चाहिए कि जब भी हमें मटेरियल मूवमेंट करना है तो वो कैसे हो, लॉट्स में हो, ना कि एक एक करके, क्योंकि एक एक करके करने में क्या होगा, समय भी ज़्यादा खत्म होगा और लेबर चार्जेस भी बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए हम कोशिश करें मटेरियल यदि मूव करना है तो हम लॉट्स में मूव करेंगे। फिर डिजाइन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट शुड बी सच डेट इट कैन इंक्रीज द इफेक्टिवनेस। तो मटेरियल हैंडलिंग के इक्विपमेंट की डिजाइन इस प्रकार से होना चाहिए कि उसकी इफेक्टिवनेस यानी वो एंड रिजल्ट को आसानी से अचीव कर सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेविटी शुड बी यूज, जहाँ पर पॉसिबल है कि हम ग्रेविटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं पर यदि किसी चीज़ को ऊपर से नीचे लाना है तो हम उसमें ग्रेविटी का इस्तेमाल करें, ना कि किसी यानी मशीन या किसी और चीज़ का। ग्रेविटी से हम चीज़ों को आसानी से अप से हाइट से नीचे की ओर ट्रैक कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। देन री हैंडलिंग एंड पैक ट्रैकिंग ऑफ मटेरियल शुड बी अवॉइडेड। कोशिश ये करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम किसी चीज़ को जहाँ पर जिस जगह पर जरूरत है वहाँ पर ना ले जाकर किसी और जगह रख देंगे और फिर वापस उसको बोलेंगे अरे यार ये तो गलत जगह पहुँच गई, फिर दूसरी जगह पहुँचाएंगे उसे। तो इस प्रकार से री हैंडलिंग या बैक ट्रैकिंग नहीं होना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए जिस मटेरियल की जहाँ पर जरूरत है और जितनी क्वान्टिटी में जरूरत है तो वो मटेरियल उतनी ही क्वान्टिटी में और सही पोजिशन पर या सही लोकेशन पर पहुँच जाए और सही समय पे पहुंच जाए। तो इस प्रकार से हमें री हैंडलिंग या बैक ट्रैकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर है पीरियोडिकली रिपेयरिंग मेंटेनेंस एंड चेकअप ऑफ एग्जिस्टिंग मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। हम ये कर सकते हैं कि हम पीरियोडिकली समय समय पर यानी एक प्लान बना लेंगे कि भाई हमें वीकली करना है या फोर्टनाइट करना है, जो भी मेंटेनेंस शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, पीरियोडिकली रिपेयरिंग करना है, मेंटेनेंस करना है, चेकअप करना है जो भी हमारे एग्जिस्टिंग मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं। ऐसा ना हो कि जब जरूरत पड़े तब वो काम ही ना आए, तो इसलिए हमें ये प्रॉपरली एने शेड्यूल बनाकर पीरियोडिकली रिपेयरिंग और मेंटेनेंस और चेकअप हमें एग्जिस्टिंग मटेरियल इक्विपमेंट्स का करते रहना चाहिए। तो ये सारे प्रिंसिपल हैं, यदि हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर से हम क्या कर सकते हैं मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के सिलेक्शन के में एक मुख्य रोल प्ले करते हैं, यानी कौन से फैक्टर्स हैं जो ऐसे कौन से घटक हैं जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के चयन को प्रभावित करते हैं। तो मटेरियल हैंडलिंग को चयन को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो हैं प्रोडक्शन प्रॉब्लम, सेकेंड है ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व, और तीसरा है कैपेबिलिटीज ऑफ दी हैंडलिंग इक्विपमेंट अवेलेबल। तो ये तीन प्रकार के हैं, प्रोडक्शन प्रॉब्लम, ह्यूमन एलिमेंट यदि ह्यूमन एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, और तीसरा है कैपेबिलिटीज ऑफ दी हैंडलिंग इक्विपमेंट, हैंडलिंग इक्विपमेंट की कैपेबिलिटीज क्या है जो कि हमें उपलब्ध है। तो ये तीन फैक्टर जो है वो इसको प्रभावित करते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। लेट अस सी वन बाय वन। तो प्रोडक्शन प्रॉब्लम में, प्रोडक्शन प्रॉब्लम में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएगी, एक तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन टू बी मेंटेन, हमें क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा, कि हमें ये मालूम होना चाहिए कितने वॉल्यूम में कितनी क्वांटिटी में हमें प्रोडक्शन करना है। फिर लेआउट ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग फैसिलिटीज, हमें क्या करना होगा प्लांट एंड बिल्डिंग फैसिलिटीज का प्रॉपर लेआउट डिजाइन करना पड़ेगा। फिर क्लास ऑफ मटेरियल्स टू बी हैंडल, हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस क्लास का मटेरियल, क्लास ऑफ मटेरियल किस प्रकार की, किस ग्रेड का मटेरियल हमें हैंडल करना है। तो ये तीनों से के रिगार्डिंग यदि हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो वही प्रोडक्शन प्रॉब्लम के तहत आती है, कि इन सब की इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। ये प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है इश्यू है या प्रॉब्लम्स हैं जो हमें रिजॉल्व करना है। फिर उसके बाद है
फर्दर हम देख सकते हैं कि ये दूसरे जो फैक्टर्स हैं, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, लोड कैपेसिटी हो गया, पावर हो गया, ईज ऑफ मेंटेनेंस हो गया, कॉस्ट हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, सुपरविजन रिक्वायर्ड, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ इनविजिबल हैं, सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, मटेरियल हैंडलिंग को प्रभावित करते हैं। देन ह्यूमन फैक्टर्स की यदि हम बात करेंगे तो ह्यूमन फैक्टर्स में आ जाते हैं कैपेबिलिटीज ऑफ मैन पावर। मैन पावर की कैपेबिलिटीज क्या हैं, और सेकंड है सेफ्टी ऑफ पर्सनल, हम उनके लिए क्या सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो हाजर्डस होते हैं, उनके लिए सेफ्टी ऑफ पर्सनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो कैपेबिलिटीज ऑफ मैन पावर के बारे में इसमें हमें सॉर्ट आउट करते आना चाहिए, और सेफ्टी ऑफ पर्सनल के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। देन फर्दर टाइप्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम की यदि बात करें, उसमें हम देख सकते हैं कि कुछ दो प्रकार से इसमें क्लासिफिकेशन है। एक तो इक्विपमेंट ओरिएंटेड सिस्टम है कुछ, और कुछ मटेरियल ओरिएंटेड सिस्टम है। तो इक्विपमेंट ओरिएंटेड सिस्टम में आ जाते हैं आपके कन्वे या कन्वे सिस्टम, और फिर है ट्रैक्टर जो कि ट्रांसफर सिस्टम कहलाता है, फिर एक फोर्कलिफ्ट ट्रक है जो फोर्क, लंबे लंबे फोर्क निकले हुए होते हैं जिससे वो लिफ्ट करता है, इंडस्ट्रियल ट्रक सिस्टम है, और फिर अंडरग्राउंड सिस्टम है। और ऐसे ही मटेरियल ओरिएंटेड सिस्टम है यूनिट हैंडलिंग सिस्टम, और फिर बल्क हैंडलिंग सिस्टम, फिर लिक्विड हैंडलिंग सिस्टम। ये सारे जो सिस्टम है वो आपके मटेरियल ओरिएंटेड सिस्टम है, हम इसके बारे में आगे जानेंगे। और भी हैं क्लासिफिकेशन, मेथड्स ओरिएंटेड सिस्टम में आ जाते हैं मैनुअल सिस्टम, ऑटोमेटेड सिस्टम, जॉब्स ऑफ हैंडलिंग सिस्टम, मास प्रोडक्शन सिस्टम। और फिर चौथे प्रकार का जो कैटेगराइजेशन है वो है फंक्शन ओरिएंटेड सिस्टम का, उसमें आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कन्वेइंग सिस्टम, ट्रांसफरिंग सिस्टम एंड एलिवेटिंग सिस्टम। और फर्दर यदि हम इनमें बात करें टाइप्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में, तो ये आ जाते हैं ब्रॉडली हम क्लासिफाइड कर सकते हैं कन्वेयर्स में, क्रेन्स में, एलिवेटर है, ऑइस्ट है। ऑइस्ट एलिवेटर्स जो है आपके जो क्रेंक्स होती है एलिवेटर, जो ऊपर से हम सामान मूव कर सकते हैं, क्रेंस है जो सामान हम क्रेन की सहायता से मूव करते हैं। ऑइस्ट मतलब लिफ्ट होती है, फिर इंडस्ट्रियल ट्रक्स है, फिर ऑक्जिलरी इक्विपमेंट्स है। फिर कन्वेयर्स में देखेंगे तो ग्रेविटी और पावर डिवाइसेस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कन्वेयर्स में, और इट इज़ यूज फॉर मूविंग लोड्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर फिक्स्ड पाथ। एक फिक्स्ड पाथ होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिसके ऊपर लोड्स को मूव कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में। ये आपको बेल्ट कन्वेयर का डायग्राम दिख रहा है, बस इसमें दिख रहा है मोटर ड्रिवन बेल्ट कन्वेयर है, यूजली मेड ऑफ मेटल फेब्रिक, मेटल फेब्रिक का बना हुआ है, दिख रहा है ये मेटल फेब्रिक का बना हुआ है, एंड दिस इज द कन्वेयर। ये मूव होता जा रहता है और इसके ऊपर कोई भी आइटम होगा वो भी मूव होता रहेगा, तो ये बेल्ट कन्वेयर कहलाते हैं, आपने देखा होगा। फिर उसके बाद चेन कन्वेयर है, चेन लगी हुई है, ये आपका मोटर ड्रिवन चेन डेट ट्रैक्स मटेरियल अलोंग ए मेटल साइड बेस, तो ये आपका चेन कन्वेयर है, मोटर ड्रिवन चेन लगी हुई है, इसमें मोटर लगी हुई होती है, और चेन क्या करती है, चेन मोटर ड्रिवन यानी मोटर से वो ड्राइव की जा रही है, और ये चलती रहती है, सर्कुलेट होती रहती है, इसके ऊपर जो भी आइटम होगा वो मूव करेगा, तो ये आपका चेन कन्वेयर होगा जो कि मोटर ड्रिवन चेन के थ्रू हम क्या करते हैं, आइटम को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और उसको ड्रेग करते हैं, ठीक है। और फिर रोलर कन्वेयर, रोलर कन्वेयर दिख रहा है बस आप लोगों को, ये रोलर कन्वेयर है, ये रोलर्स बने हुए हैं, तो बॉक्सेस हो गए या लार्ज पार्ट्स हो गए या यूनिट लोड्स हो गए, रोल ऑन टॉप ऑफ द सीरीज ऑफ रोलर्स माउंटेड ऑन एन रिजिड फ्रेम, तो ये एक आपकी एक रिजिड फ्रेम है, उसके ऊपर बहुत सारे जो हैं वो रोलर्स माउंटेड हैं, और इसी रोलर्स के ऊपर हम बड़े बड़े बॉक्सेस या लार्ज पार्ट्स या यूनिट्स लोड्स को आसानी से मूव कर सकते हैं, तो ये रोलर कन्वेयर्स कहलाएंगे आपके। फिर न्यूमेटिक कन्वेयर भी होता है, हाई वॉल्यूम ऑफ एयर फ्लोज थ्रू ए ट्यूब कैरिंग मटेरियल अलॉन्ग विद एयर फ्लो, तो क्या होता है ये न्यूमेटिक कन्वेयर है, यानी क्या होता है एयर प्रेशर से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से एयर प्रेशर से हम क्या कर सकते हैं, जो एयर प्रेशर जनरेट कर रहे हैं और उसको हम फ्लो कर रहे हैं, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं न्यूमेटिक यानी प्रेशर, एयर प्रेशर का अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द एयर प्रेशर।
तो ये डायग्राम बता रहा है कि एयर प्रेशर से हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह की ओर मूव कर सकते हैं। तो ये न्यूमेटिक कन्वेयर का डायग्राम, दिस इज कॉल्ड द न्यूमेटिक कन्वेयर। देन क्रेन्स, एलिवेटर्स एंड हॉइस्ट है। तो ये सारे जितने भी हैं ओवरहेड डिवाइसेस हैं एंड यूज फॉर मूविंग वेरिंग लोड्स इंटरमीटेंटली बिटवीन पॉइंट्स विद इन एन एरिया। तो ये क्या करते हैं, ओवरहेड डिवाइसेस हैं जो आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग अलग लोड को जो कम है, ज़्यादा है या इंटरमीडिएट है, वो किसी भी बीच के पॉइंट्स आराम से एक विद इन एरिया में जो बीच वाले पॉइंट्स होते हैं उनको ये कवर करता है और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर आइटम को ओवरहेड डिवाइसेस जो हैं वो उनकी सहायता से हम मूव कर सकते हैं। देन क्रेन्स आपको दिख रही है बॉयज, तो दिस इज द डिवाइसेस माउंटेड ऑन द ओवर हियर रेल और ग्राउंडेड व्हील्स और रेल्स। ग्राउंडेड व्हील्स भी हो सकते हैं, ओवर हियर भी हो सकते हैं। दे लिफ्ट स्विंग एंड ट्रांसपोर्ट लार्ज एंड हैवी मटेरियल। आसानी से इस क्रेन में क्या हो सकता है, बड़े से बड़े आइटम को हम फिट कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह की ओर मूव कर सकते हैं। तो ये क्रेन से इस प्रकार की ओवरहेड क्रेन्स भी आपने देखी होगी, यदि किसी फैक्ट्री में आप शॉप फ्लोर में गए हो तो वहाँ पर बड़ी बड़ी ओवरहेड क्रेन्स लगी हुई होती है। अब जैसे ये एलिवेटर्स की बात करें, जैसे टाइप्स ऑफ क्रेन्स डेट लिफ्ट मटेरियल यूजली बिटवीन फ्लोर्स और बिल्डिंग, फ्लोर्स और बिल्डिंग के बीच के मटेरियल्स को मूव करने के लिए एलिवेटर्स कहलाते हैं। ये एलिवेटर्स हैं, ये एलिवेटर्स क्या कर सकते हैं, क्या किसी भी पोजीशन में मूव कर सकते हैं, बीच में आगे पीछे एक्सट्रीमली कहीं भी जाकर ये बीच में या फ्लोर पे या बिल्डिंग पे जो भी आइटम है उसको आसानी से पिक कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और ड्रॉप कर सकते हैं। तो दिस आर द एलिवेटर्स, बड़े बड़े एलिवेटर्स हम जनरली असेंबली शॉप वगैरह में हम यूज करते हैं। फिर हॉइस्ट हो गया, हॉइस्ट क्या होता है, इट मूव्स वर्टिकली और हॉरिजेंटली, मे बी एयर हॉइस्ट हो सकता है, इलेक्ट्रिक हॉइस्ट हो सकता है और चेन हॉइस्ट हो सकता है। इस प्रकार के हॉइस्ट होते हैं जो क्या करते हैं कि किसी भी आइटम को मूव कर सकते हैं और ड्रैग कर सकते हैं। तो दिस आर द हॉइस्ट। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रक्स की बात करें, तो इंडस्ट्रियल ट्रक्स भी जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक भी हो सकते हैं, डीजल भी हो सकते हैं, गैसोलीन भी हो सकते हैं और गैस पावर्ड भी हो सकते हैं। ये आपका एक एग्जांपल दिया, पोर्ट लिफ्ट ट्रक, ये पोर्ट आगे निकले हुए हैं, दिस आर द पोर्ट। ये लिफ्ट ट्रक है, आसानी से किसी भी बड़े से बड़े हेवी से हेवी बॉक्स को इसमें वो पोर्ट में फिट करता है और कहीं भी ले जाकर मूव करके, कहीं भी मूव करके उसको ड्रैग कर सकता है। तो ये आपका पोर्ट लिफ्ट ट्रक है। पोर्ट लिफ्ट ट्रक यदि आप देखेंगे तो जो मॉल्स वगैरह है, बेस्ट प्राइस हो गया या दूसरी जगह जहाँ पर ऊपर हाइट पे लंबी लंबी ने ट्रैक्स बनाकर सामान को ऊपर चढ़ाया गया है, वहाँ पर इस प्रकार के पोर्ट लिफ्ट ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है, जो नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर तक आइटम्स को रखने में सक्षम होता है या मूव करने में सक्षम होता है। फिर पैलेट ट्रक्स, ये पैलेट ट्रक्स भी इस प्रकार के होते हैं जो पैलेट्स बने हुए हैं, इस पर आसानी से हम क्या कर सकते हैं, आइटम्स को मूव कर सकते हैं। फिर ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स होते हैं, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स यानी ऐसे डिवाइसेस और अटैचमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर हैंडलिंग इक्विपमेंट्स टू मेक देयर यूज मोर इफेक्टिव एंड वर्सेटाइल। हम क्या कर सकते हैं, ये जो सहायक इक्विपमेंट्स होते हैं इनका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को और ज़्यादा इफेक्टिव और वर्सेटाइल बना सकते हैं। जैसे कि स्किड बॉक्सेस, ये बॉक्सेस का हम स्किड बॉक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं आइटम्स को मूव करने के लिए, इसमें स्टोर करके हम आसानी से लॉट में मटेरियल को मूव कर सकते हैं। फिर स्किड बॉक्सेस के बाद एक्सपेंडेबल पैलेट्स है, एक्सपांडेबल प्लेट्स हैं, पैलेट्स हैं, इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं, इसके ऊपर हम सामान रखकर आसानी से इसको मूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद बस इतने ही आइटम्स हैं बहुत सारे।